दोस्तों मोटो एज 40 न्यू एंड प्रो के ऊपर मैं एंड्रॉइड 14 का लेटेस्ट अपडेट में क्या कुछ मेजर फीचर्स वगैरह आपको देखने को मिलेगा आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपके पास में मोटोरोला का कोई भी डिवाइस है तो आपको सिमिलर सा जो मैं आपको एक्सपीरियंस अभी कराने वाला हूं वो सिमिलर सा एक्सपीरियंस आपके मोटोरोला के फोन पे मिलेगा। दोस्तों थोड़ा वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बट सारा डिटेल मोटोरोला का लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 का अपडेट के रिगार्डिंग आपको जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। एंड एंड तक देखना तभी आपके जो भी मन में दिमाग में जो भी डाउट्स रहेगा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे कमाल के फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि जेस्चर सेटिंग्स। आपको जो है सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करोगे तो क्विक कैप्चर को आप जो है इसको यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, जब शेक करोगे तो आपका स्क्रीनशॉट वगैरह कैप्चर हो जाएगा जो कि काफी क्रेजी वाला फीचर है। ऐसे सेटिंग्स के अंदर में जाओगे जेस्चर के अंदर में तो आपको जो है नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको जो है फास्ट टच का भी ऑप्शन देकर रखा है। जैसा इमेज में देख रहे हो फास्ट टच को आप जो है ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, जैसे लॉक वगैरह रहेगा ना उस टाइम पे ये वाला फीचर जो है एक्चुअली काम आता है, जो कि काफी बेहतर मुझे तो एकदम यूनिक फीचर लगा। वैसे सेटिंग्स के अंदर में फिर से जाओगे तो आपको डिस्प्ले के अंदर में दोस्तों यहां पे स्क्रीन सेवर का ऑप्शन मिल रहा है जो कि और दूसरे फोन में तो मैंने अभी तक नहीं देखा। यहां पे आपको एंड्रॉइड 14 के साथ में भाई साहब ये मोटोरोला का फोन में आपको जो है ये वाली फीचर भी देखने को मिलेगा। एंड प्रीव्यू करने पे आप देख सकते हो तो कुछ इस टाइप का स्क्रीन सेवर आपको देखने को मिलेगा जैसा कि लैपटॉप और कंप्यूटर वगैरह में होता है। यहां पे भी कुछ सिमिलर सा चीज है यहां पे दे दिया गया जो कि काफी कमाल का है। आप लोग वीडियो का एंड तक रखो, मोटोरोला के जितने भी फोन से सभी के बारे में बताने वाला हूं। वैसे यहां पे सिस्टम्स पे चलते हैं तो एक और फीचर देके रखा है जिसको कहते हैं रैम बूस्ट, जिसको नॉर्मली आपको पता ही होगा बट यहां पे आपको जो ना एक्स्ट्रा रैम बूस्ट आपको देखने को मिल जाएगा जो आपके फोन के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मिलेगा। बाकी जो यूआई का एक्सपीरियंस है एंड्रॉइड 14 अपडेट होने के बाद में काफी क्लीन एंड डीसेंट लगता है यहां पे। एंड जैसा कि यहां डिस्प्ले के अंदर में जाओगे तो आपको रिफ्रेश रेट को भी चेंज कर सकते हो एंड आपको जो ना 60 ऑटो और 120 हर्ट्ज पे रख सकते हो डिपेंडिंग। अगर आपके पर्टिकुलर फोन मॉडल पे अगर कम है तो वहां पे कम देखने को मिलेगा, अगर फीचर है तो आपको अप टू 120 हर्ट्ज वाला चीजें मिल जाएगा। अगेन सेटिंग्स के अंदर में चलते हैं, यहां पे जैसे देख सकते हो पर्सनलाइज के अंदर में आपको जो ना थीम्स का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड थीम्स में बोलूं तो एंड्रॉइड 13 के बाद में काफी कुछ नया चेंजेस आया। वैसे ये माय यूएक्स पे चल रहा है, यहां पे अभी तक हेलो यूआई नहीं आया। हेलो यूआई का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहे तो वो जाकर के देख सकते हो। वैसे एंड्रॉइड 14 का माय यूएक्स में अभी जाकर के एप्स में भी आप देख सकते हो ऐसे करके फोल्डर वगैरह करते हैं। एंड उसके अंदर में जो है सिक्योरिटी स्कैन का एक एप्लीकेशन दिया, मुझे तो उतना कुछ खास नहीं लगा, बस सकते मैं आप लोगों को फीचर बता देता हूं जैसे कि आप फोल्डर्स वगैरह को लॉक कर सकते हो। वैसे मैं यूज नहीं करता बट आप लोग बहुत सारे लोग यूज करते हो, आपके चुन्नू मुन्नू माशुका का फोटो वगैरह छिपाने के लिए आप उसको यूज कर सकते हो, मतलब काफी कमाल का फीचर हो जाता है। एंड बाकी जो यहाँ पे आपको जो है ना ऑटो लॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है, नेटवर्क प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, लॉक स्क्रीन सिक्योरिटी मिल जाता है एंड पिन पैड स्क्रीन, मतलब अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज वगैरह से आप जो है ना पर्टिकुलर ऐप एंड फोल्डर्स वगैरह में इसको आप छिपा कर रख सकते हो। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप किसका फोटो, माशुका का फोटो या अपनी प्यारी किसी का फोटो किसको छुपा के रखते हो, मुझे बताओ, मुझे जानना है गाइस। एंड जैसे आप ही देख रहे हो पूरा जो ना स्क्रीन यूआई जो है ना काफी क्लीन एंड नीट हो चुका है। इनफैक्ट पहले से जो ना काफी अच्छा फास्ट काम कर रहा है एंड मल्टीपल एप्स वगैरह के भी आप फोटो पे रख सकते हो। एंड इसके साथ में आपको जो ना एक और माई स्पेस करके जो योर स्पेस जैसे करके आप इस तरह के एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आप कोई भी एप्लीकेशन का नाम चेंज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, एंड्रॉइड के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है आप किसी भी एप्लीकेशन का नाम और उसका जो लोगो होता है जो बेसिकली आपके फोन में दिखता है उसको आप चेंज कर पाओगे। ये अभी तक पॉसिबल नहीं था, मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी तक ये पॉसिबल नहीं था। तो अगर आपके पास में BGMI है, मम्मी शोना आपको डांटती है तो आप उसका नाम चेंज करके पढ़ाई वाला नाम रख लो, है ना। ऐसे मजेदार चीजें वगैरह मैं ही बताऊंगा। वैसे साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर में एक और फीचर है, जैसे कि यहां पे आपको जो है डॉल्बी एटमॉस का अगर आपके फोन में फीचर रहता है तो आप सेटिंग्स में जाओगे तो यहां पे आपको स्मार्ट ऑडियो म्यूजिक फिल्म गेम पॉडकास्ट एंड कस्टम सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो। यहां पे अपने जो ना ऑडियो को क्रेजी लेवल के तरीके से आप सेट कर सकते हो और काफी अच्छा मजा ले सकते हो। नेक्स्ट यहां सेटिंग के अंदर में जेस्चर के अंदर में आओगे दोस्तों, यहां पे सबसे नीचे आपको जो ना क्विक लॉन्च देके रखा है। आप देख सकते हो बैक साइड में अगर आपको जो है डबल टैप करोगे जैसे कि आईफोन्स वगैरह में होता है, वहां पे आप रिकॉर्डर प्ले पॉज स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीन रिकॉर्ड लेना या फिर होम स्क्रीन में जाना या फिर कोई पर्टिकुलर ऐप जैसे कि कैलकुलेटर यहां पे सेट होकर रखा या फिर आप कोई भी एप्लीकेशन डाल सकते हो तो क्या होगा, बैकग्राउंड में अगर बैक साइड में डबल टैप करोगे तो आपको वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपका ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। एंड ये वाला फीचर देखो दोस्तों, जैसे कि यहां पे मल्टी स्क्रीन, आप मल्टी विंडो का यूज कर सकते हो, दो दो स्क्रीन, ऊपर एक स्क्रीन नीचे स्क्रीन एंड दोनों बहुत ही स्मूथली काम कर रहा है, यहां पे कोई दिक्कत प्रॉब्लम वगैरह नजर नहीं आ रहा। एंड मैंने जहां तक यूज किया एंड जिन लोगों ने यूजर्स ने भी जो भी रिव्यूज दिया ये सब फीचर जो ना काफी कमाल का आ जाता है। वैसे आप लोग क्या मल्टी जेस्चर स्क्रीन वगैरह यूज करते हो, लेट मी नो इन द कमेंट। एंड एक और नया फीचर जो है यहां पे आप देखोगे स्वाइप टू स्प्लिट,
अब यही चीज मैं आपको जो है यहाँ पे दिखाया, जैसे आप स्वाइप करोगे ना तो स्क्रीन आपको जो है स्प्लिट हो जाएगा, एंड जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपको जो है ना पूरा देखने को मिलेगा। तो आप जो है ये सभी फीचर्स वगैरह का आप कमाल करके यूज कर ही सकते हो। वैसे आप लोगों को कौन सा फेवरेट फीचर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड कौन सा फोन यूज कर रहे हो वो भी मुझे जरूर बताना। एंड दोस्तों रिसेंटली मोटो जी 50 के ऊपर भी वीडियो मैंने पोस्ट किया, तो वो नहीं देखा है तो जाके देख लेना। एंड यहाँ पे देख सकते हो जैसे अगर एप्स वगैरह को मूव करते हो ना तो यूजुअली सभी फोन में से दिखता नहीं है, बट यहाँ पे आपको जो ना कुछ इस टाइप का एनिमेशन देखने को मिलता है। जो मुझे बताना कि आपको कैसा लगा ये जो एनिमेशन चेंजेस वगैरह देखने को मिला है, एंड साथ में आपको जो ना कुछ एक एक्स्ट्रा एप्स फीचर्स वगैरह जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो ये वाला देखने को मिलेगा। अगर आप इसको ऑन कर लोगे तो आप जो है ना पूरा उसका जो थिकनेस होता है, उसका जो पोजिशन होता है और जो रिंग होता है ना, जो बेसिकली आपको स्क्रीन मेन स्क्रीन पर आपने क्लॉक का देखा है, उसका आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। आप ऊपर नीचे डायरेक्शन ये सब चीज़ें वगैरह सेट कर सकते हो आप अपने हिसाब से। देखो कलर्स वगैरह जो भी चूज करना आपका जो भी फेवरेट कलर है वो चूज कर सकते हो। वैसे मुझे बताना आपका फेवरेट कलर कौन है, मैं तो वैसे ब्लैक पसंद करता हूं। एंड वैसे यहां पे येलो में देखो आप येलो में जाकर के आप फॉन्ट का चेंज कर सकते हो, एंड बैकग्राउंड वाला जो है चीजें का कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, जो कि आपका पूरा ओवरऑल होम स्क्रीन जो रहता है फोन का उसका जो है ना एकदम लुक ही चेंज कर देता है। मतलब मुझे बताना यार आपके क्रेजी वाले आइडिया, अगर आपके पास एंड्रॉइड 14 का अपडेट आ चुका है तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे वाले क्रेजी वाले चीजें सेटिंग्स करके मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर वगैरह पे टैग कर सकते हो। एंड अभी तक फॉलो नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। एंड जैसा कि अभी देखो थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो रहा है, बट मैं चाह रहा हूँ कि आपको सारे फीचर जो है ना मोटो के जो आते हैं एंड्रॉइड 14 के ऊपर मैं सब चीज़ मैं आपको बता दूं, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा लंबा कर दिया हूं, बट हाँ सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहां पे देखने को मिलेगा। एंड कुछ और भी फीचर्स के बारे में मैं आपको आगे बताना चाहूंगा, जैसे कि एक स्क्रीनशॉट वाला फीचर है जो कि नॉर्मली पहले भी था, एंड यहां पे थ्री फिंगर्स वगैरह खींच करके करते हो ये भी अभी अवेलेबल है। तो इस अपडेट के बाद में इसमें कुछ दिक्कत वगैरह प्रॉब्लम वगैरह नहीं आया है, एंड काफ़ी कुछ जो है ना जेस्चर के अंदर में जो है ना थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट को आप चाहे तो ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। अब देखो बहुत सारे लोग जो है ना जब भी फोन नया लेते हैं तो भाई वहां पे जो है ना ऑप्शन डिसेबल्ड होकर रहता है, तो अगर आपको चाहिए तो इस सेटिंग्स में जाकर के इस तरह को ऑन कर सकते हो। एंड आपको शॉर्टकट्स वगैरह भी रख सकते हो, जैसे कैमरास वगैरह आपने देखा इस तरह से जो है आप शॉर्टकट्स वगैरह रख सकते हो। बाकी अगेन सेटिंग्स के अंदर में चलते हैं, आप जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे जेस्चर के अंदर में जैसे आओगे पूरी तरह से नीचे करोगे तो आपको डबल प्रेस पावर की, यानी आप पावर बटन को डबल प्रेस करोगे तो जैसे यहां पे कैमरा सेट है तो कैमरा लॉन्च हो जाता है, तो कुछ इस टाइप का सेटिंग्स वगैरह रहता है। एंड आप जो चाहे एप्लीकेशंस वगैरह, सभी एप्लीकेशन तो फिलहाल सूटेबल नहीं है, बट हाँ मेन एप्लीकेशन जो भी यूज करते हैं वो सब हो जाता है। बाकी नेक्स्ट सेटिंग्स की बात करें तो पिकअप टू साइलेंस, अब ये क्या होता है जब आपका कोई कॉल करेगा तो रिंग होते रहेगा, तो आप जैसे फोन को पिकअप करोगे ना तो ऑटोमेटिकली जो रिंगटोन बजते रहता है ना वो साइलेंस में चला जाता है। अब काफी कठिनाई में होता है कि आप मीटिंग वगैरह में बैठे हो कॉल आ जाता है और बढ़ते रहता है, तो आप जैसे उठाओगे साउंड कम हो जाएगा। एंड प्रेस एंड होल्ड पावर बटन में जाकर के आपको जो है यहाँ पावर मेन्यू या डिजिटल असिस्टेंट आप रख सकते हो, आपकी मर्जी है, आप जो चाहे रख सकते हो। आप गूगल असिस्टेंट हे सीरी हे गूगल को रख सकते हो या फिर पावर ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन आए वो रख सकते हो। मतलब ये अच्छा कमाल का, आई थिंक ना वीवो ओप्पो वाले भी ऐसे भी फीचर को फनटच ओएस या फिर दूसरे एंड्रॉइड का वर्जन में देना चाहिए, क्या बोलते हो आप लोग। बाकी मोटरोला के भाई मतलब क्रेजी लेवल के फीचर्स, मतलब भर भर के फीचर्स अभी आ रहे हैं। नॉर्मली जो है स्टॉक एंड्रॉइड फीचर मिलता है, बट हाँ आपको जो है ये भी फीचर्स वगैरह जैसे मीडिया कंट्रोल का फीचर आपको यहां पे देखने को मिल जाता है। अब इसमें क्या होगा कि आप जो है ना वॉल्यूम बटन वगैरह से जो है अपने मीडिया को कंट्रोल कर पाओगे, हालांकि ये जो है ना थोड़ा पुराना फीचर है, बाकी अदर ब्रांड्स के एंड्रॉइड वर्जन में जो है ये सभी फीचर पहले से था, बट यहाँ पे मोटोरोला में पहले वाले अपडेटेड वर्जन वगैरह में नहीं था, यहाँ पे आपको जो है ना ये चीज़ को प्रोवाइड करा दिया गया है। बट मुझे उतना पता नहीं है पुराने फोन्स में आपको है कि नहीं वो बता देना। एंड फ्लिप फॉर डू नॉट डिस्टर्ब, ये तो मेरा फेवरेट फीचर है। अगर जब भी आप काम वाम कर रहे हो आपका मन करता है कि अपना फोन को जो है ना एकदम साइलेंट में रखते हैं, तो आपको फोन को बस फ्लिप करना है, यानी उल्टा रख देना है, एंड मैंने आपको सेटिंग बता दिया उसमें क्या है साइलेंट हो जाएगा। एंड अगेन दोस्तों यहां पे नेविगेशन मोड भी देके रखा है, जैसा कि आप जेस्चर नेविगेशन या फिर थ्री बटन क्लासिक नेविगेशन जो कुछ भी, जैसे जो जेस्चर नेविगेशन में नीचे का बटन गायब हो चुका है, एंड अब स्क्रीन पे लेफ्ट राइट से अगर करोगे तो आपको बैक आ जाएगा, अप करोगे तो आपको होम स्क्रीन आ जाएगा, मतलब ये काफी अच्छा है। एंड होल्ड करके ऊपर से नीचे करोगे तो आपको मल्टी स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब ये काफी सीमलेस दिया है। आई थिंक अदर ब्रांड्स भी इसको जो है ना देना चाहिए इस तरह से यूज करने का। एंड अगेन दोस्तों जेस्चर के अंदर में आपको वन हैंड मोड भी मिल जाता है, तो आई होप कि आपको जो है ना ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। एंड दोस्तों ये वाला जो मैंने एंड्रॉइड 14 का जो भी फीचर्स वगैरह मैंने बताया ये मोटो जी 34 के ऊपर में है, बट मोटो जी 40 एंड 40 नियो प्रो वगैरह पे भी बहुत ही जल्द आपको जो है ना
अप्रैल एंड होते होते आपको अपडेट मिल जाएगा एंड जो फीचर्स मैंने अभी दिखाए सिमिलर सा सेम सा फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा। आप लोग बहुत सारे डिमांड कर रहे थे इसलिए मैंने ये वाला वीडियो ऐसे बना दिया, थोड़ा माफ करना, थोड़ा मैंने गिमिक कर दिया थोड़ा सा, बट हाँ आप लोगों के लिए खुशी के लिए गए सब मैंने फीचर्स वगैरह बता दिया। अब आप लोग थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बाकी वीडियो यहां तक देख रहे हो भाई आप लोग प्लीज यार सजेस्ट करो, फीडबैक दो और भी टॉपिक्स वगैरह सजेस्ट करो, मैं क्रेजी लेवल की वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकता हूं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आई लव यू ऑल एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय।